सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि मंगल ग्रह जो है अब वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहा है और अगले 1.5 महीने अब मंगल वृश्चिक राशि में ही गोचर करेगा। ये मंगल की खुद की राशि है और मंगल जब यहाँ पे अपनी राशि में प्रवेश करेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल अपनी राशि वृश्चिक में जा रहा है। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल ग्रह और अब 1.5 महीने के लिए अपनी राशि में प्रवेश करेगा। इससे पहले तुला राशि में था, जो कि शुक्र ग्रह की राशि है। मंगल का ये परिवर्तन जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में होने से मंगल जो केंद्र होगा तो पंच महापुरुष योग में मंगल रोचक योग बनाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा योग है। और कैसे ये काम करेगा हम बात करेंगे इसके बारे में आज, लेकिन पहले हम आपको बता देते हैं कि मंगल का वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को सुबह 10:46 पर प्रवेश होगा और उसके बाद मंगल ग्रह 27 दिसंबर 2023 तक इसी राशि में रहेगी, लगभग 1.5 महीने। मंगल ग्रह को जो है घरों में सेनापति का पद प्राप्त है। सेनापति मंगल जो है शौर्य, साहस, पराक्रम, खेल कूद, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, यानी जितने भी गुस्से वाले काम हैं उसके लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये सभी जो है मंगल इसका कारक ग्रह है जो मैंने आपको बताया। इससे भाई का जाति का विचार होता है, भूमि पुत्र है मंगल ग्रह, सेना पुलिस आर्मी सब जो है इससे देखे जाते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो ज़्यादा खेल कूद में बहुत एक्सपर्ट होता है तो उन व्यक्ति के जो है मंगल ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि मंगल का स्ट्रांग होना आपको खेल के मैदान में हमेशा आगे रखता है। साथ ही साथ ये खून का कारक भी है, यानी कि रक्त का, तो ये खून का कारक है। यदि आपकी कुंडली में ये अच्छा है तो आपका खून अच्छा मतलब साफ होगा, शरीर स्वस्थ होगा, ऊर्जा बनी रहेगी शरीर की, क्योंकि ऊर्जा कारक ग्रह कहा गया। पराक्रम, किसी व्यक्ति का पराक्रम वीरता कितनी है तो ये इसी से विचार होता है। यदि कई बार मंगल यदि कमज़ोर है, शत्रु ग्रह के साथ है, राहु केतु के साथ पीड़ित है, तो उन जातकों में एक तो सांस की कमी होगी, खून में कोई दिक्कत हो सकती है, यानी बार बार रक्त संबंधी समस्याएं से बनी रहेगी। और जैसे सरकारी कार्य है ना, पुलिस आर्मी मिलिट्री इस तरह की, उसमें भी बाधाएं आती है, खासकर भूमि के लेन देन में, क्योंकि भूमि पुत्र मंगल, तो इस तरह की खेलकूद में दिक्कत भी आ सकती है। साथ में भूमि भवन में ज़मीन से जुड़े मामले में आपको नुकसान उठाना पड़ता है जब मंगल कमज़ोर होता है, और खेलकूद में वो बच्चा आगे नहीं जा पाता क्योंकि वह मंगल कमज़ोर है, क्योंकि मंगल ही इन सभी का कारक ग्रह है। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल ग्रह, मकर में उच्च का और कर्क राशि में नीच का होता है। और मंगल जब वृश्चिक राशि में आएगा तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा परिणाम रहेगा इसी बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, इस समय मंगल आपके प्रथम हाउस में लग्न में रहेगा, यहाँ पर रहने से मंगल बुध के साथ रहेगा, तो और उसके एक दिन बाद सूर्य ग्रह का भी इसी राशि में प्रवेश होने जा रहा है, तो तीन ग्रह एक साथ रहने से जो इस समय आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और ख़ासकर सूर्य और मंगल तो लंबे समय तक रहेंगे, यानी कि 1 महीने सूर्य रहेगा और मंगल 1.5 महीने। वृश्चिक राशि में होने से भद्र महापुरुष योग बनाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। इस समय आपके कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, जो कार्य आप कर रहे हैं शुरू नया कोई कार्य है तो उसमें सफलता मिलने के पूरे आसार हैं। कोई नया बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं तो उसमें भी जो है आपकी उन्नति तरक्की जरूर होगी। उस कार्य में आने वाली जो बाधाएं थी अभी तक वृश्चिक राशि वालों को, वो बाधाएं दूर होगी। हालांकि शनि की दृष्टि जरूर पड़ रही है वृश्चिक राशि पर, मगर इन सब के बावजूद भी आपको जो है कार्य के बीच में सफलता मिलती रहेगी। हालांकि इस समय सूर्य मंगल के साथ यहाँ पर होना, मंगल अपनी राशि में है जो कि एक राजयोग कारक रहेगा आपके लिए, बहुत उत्तम समय रहेगा ये 1.5 महीने का। और तो इस समय जो है आपको गुस्सा अधिक आएगा, क्योंकि क्रोध करने की जो प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। इस समय मन चिड़चिड़ा रहेगा, क्योंकि मंगल जो है गुस्से वाला कारक ग्रह है, सूर्य के साथ रहेगा तो दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो कुछ ना कुछ आपको मतलब बात बात पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस तरह की दिक्कत रहेगी। हालांकि आत्मविश्वास काफ़ी मजबूत रहेगा,
आपके कार्य जो करेंगे आप उसमें सफलता मिलेगी। आपको कोई निर्णय कोई फैसला कर लेना है बिजनेस में, वो अच्छा है। पहले घर में होने से मंगल को आपके लिए मंगली योग भी बना रहा है, साथ ही मंगल की जो तीन दृष्टि भी होती है, क्योंकि मंगल ग्रह जहाँ बैठता है ये सेनापति मंगल, तो तीन दृष्टि इसकी होती है। एक तो जहाँ बैठता है वहाँ का प्रभाव लेता है, और तीन जगह जहाँ देखता है। तो पहला ये आपको जहाँ शनि महाराज विराजमान है चौथे घर को भी देख रहा है, तो इस पर भी मंगल का शनि मंगल का प्रभाव रहेगा दृष्टि का, तो ये थोड़ा सा दिक्कत खड़ी करता है। हालांकि शनि अपनी राशि में है, मंगल भी अपनी राशि में है, मगर शनि मंगल पर दृष्टि एक दूसरे पर सही नहीं कही गई है। इस समय कुछ कार्यों में बाधाएं भी आ सकती हैं, अड़चने आ सकती हैं। हो सकता है कुछ आपकी जो घर में भूमि भवन है उसमें कुछ दिक्कतें हों, या ज़मीन के लेन देन संबंधी कोई दिक्कत आपको आ सकती है, यानी कि कोई ज़मीन बेच रहे हो, पैसे के लेन देन में कुछ समस्या आपकी खड़ी हो सकती है। इस समय माता की सेहत में थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, हो सकता है इस समय दवाई अधिक खानी पड़ रही है। और बात करेंगे इसके बाद साथी दृष्टि की, जो कि आपके जीवन साथी वाले स्थान पर पड़ रही है। इस समय जीवन साथी से तो ठीक रहेगा संबंध, लेकिन थोड़ा बहुत मंगल का प्रभाव है तो बीच बीच में जो है तनावपूर्ण स्थिति रहेगी, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत क्लेश हो सकता है। साझेदार द्वारा दिक्कत आ सकती है, हो सकता है साझेदारी समय जो है आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तो आपको अपने पार्टनर पार्टनर से जो है बिजनेस में थोड़ा सावधान रहने की भी आवश्यकता है। बात करें आपके जो मंगल की तीसरी दृष्टि जो है आपके आठवें स्थान पर पड़ रही है, तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि जो है कोई चोट दुर्घटना आपकी करवा सकती है। तो गाड़ी वाहन आदि जब चला रहे हैं आप, तो थोड़ा सा धैर्य रखें गाड़ी चलाते समय, यानी कि वाहन आदि चला रहे हैं तो थोड़ा धीमा चलाएं, क्योंकि कोई चोट आपको लग सकती है, दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। तो आपको जो है थोड़ा अपना ध्यान रखना है। हालांकि विदेश यात्रा का भी समय चल रहा है, कोई दूर देश की यात्रा करने का अवसर आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। तो जो ये परिणाम आपको बताए गए हैं, ये मंगल के राशि बदलने के बाद है वृश्चिक राशि वालों के लिए, ये वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न दोनों के लिए हैं। तो ये था वृश्चिक राशि के लिए। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं